नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको हमारे एक नए वीडियो में। हसम गाइस, आपको बताने वाले हैं कि 3 केजी सरसों में दोस्तों कितनी तेल आती है आपके सामने। आज हम गाइस 18 केजी माल को डाल रहे हैं और 18 केजी सरसों में दोस्तों कितनी तेल आती है आपके सामने हम लाइव पेर के और दोस्तों वेटिंग मशीन में वेट करके बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स में दोस्तों कि 3 केजी राय में कितनी तेल आती है, कितना खल्ली आता है दोस्तों। तो इसे पता करने के लिए, जानने के लिए दोस्तों पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो को एक लाइक अभी से ही कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों आपके सामने आज हम 18 केजी माल डाले हैं, 18 केजी सरसों दोस्तों, और उसे पेर कर लाइव आपको दोस्तों और वेटिंग मशीन वेट करके बताएंगे कितना तेल आता है दोस्तों। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि 4 केजी में 1 केजी तेल आता है या 3 केजी में या 2.5 केजी में या 2 केजी में। दोस्तों सारा डाउट आज हम आपका क्लियर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। सिर्फ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आपको इस चैनल में इसी तरह के वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ दोस्तों तेल पिराना शुरू हो गया, हमने तेल को पिराना शुरू कर दिया, मशीन अपना काम शुरू कर दिया दोस्तों। 12 वोल्ट का मशीन जिसमें आज हम 18 केजी सरसों पेर के आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा तेल का पहला राउंड शुरू हो गया दोस्तों। देखिए कितना ज्यादा मात्रा में तेल नीचे गिर रहा है दोस्तों, बाल्टी में स्टोर हो रहा है। आप अगर ये बिजनेस करते होंगे दोस्तों तो आप जानते होंगे कि 3 केजी में कितना तेल आता है दोस्तों, कितनी परसेंटेज होती है आपको ये जरूर पता होगा दोस्तों। और अगर बिजनेस अगर आप शुरू स्टार्टअप करें दोस्तों तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। पूरी तरह से आप देखिएगा कि कितना राय में दोस्तों, कितना सरसों में कितना तेल आती है, कितना खल आती है, कितना परसेंटेज आता है दोस्तों, पूरी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे गाइस। तो ये दोस्तों चालू हो गई है माल, सरसों की पिराई शुरू हो गई है गाइस। और यहाँ पे देखिए इस मशीन में दोस्तों वोरम थोड़ा सा मार किया है दोस्तों, थोड़ा सा घिस गया, इसे ज़्यादा वक्त लगता है दोस्तों पिराई में। और आप भी अगर एक्सपेलर चलाते हैं दोस्तों तो आपको अब जैसा ही हो दोस्तों उसके बाद वर्म चेंज किया जाता है। और उल्टा वर्म दोस्तों जरूर लगाए, उल्टा वर्म अगर आप मशीन लगाते हो गए तो आपको फायदा होगा कि कम समय में माल पिरा जाएगी और दोस्तों परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो आप उल्टा वर्म दोस्तों जरूर लगाएं अपना मशीन में, हम आपको बता दें दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए गैस ये तेल हमने पेर दिया दोस्तों, पेरा हुआ हो गया है। हम वीडियो दोस्तों स्किप कर दिए थे कि आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना लगे इस वीडियो को देखने के लिए। तो फाइनल दोस्तों 20 मिनट के बाद या 15 से 20 मिनट लगा दोस्तों हमें पेरने में। और अब दोस्तों आपको हम वेट करके बताने वाले हैं कि कितना तेल निकला दोस्तों। 18 केजी सरसों थी, काली सरसों दोस्तों, आप देखिए इसे मशीन में चगा के आपको दिखाएंगे दोस्तों और वेट करके कि कितना सरसों में कितना तेल आया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कांटा हमने ऑन कर दिया दोस्तों, वेटिंग मशीन हम बाल्टी को दोस्तों चढ़ा के चेक करेंगे। तो देखिए गैस 18 केजी सरसों थी दोस्तों और 6 केजी 212 ग्राम तेल हुआ है दोस्तों। 212 ग्राम डब्बा को मान लो दोस्तों 6 केजी नेट वेट तेल निकलता है गाय, तो 6 × 3 = 18, 3 केजी में गैस 1 केजी तेल आपको निकल जाएगा दोस्तों। कितना भी कचड़ा सरसों हो दोस्तों तो 3 केजी में 1 केजी तेल आ ही जाता है दोस्तों, सभी सरसों का हम आपको बता दे। और एक वीडियो दोस्तों हम स्पेशली बनाएंगे पीला सरसों के लिए दोस्तों, पीला सरसों में आपको पेर कर बताने वाले कि कितना तेल आता है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।